हेलो स्टूडेंट्स, मेरी ओर से वैली पब्लिक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी कुशल मंगल होंगे और घरों में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का अच्छे प्रकार से पालन कर रहे हैं। तो घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और सभी शिक्षकों द्वारा इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा मुहैया कराई जा रही है, जिसके माध्यम से आप लोगों को घर बैठे बैठे अपनी शिक्षा को अग्रसर रखने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है सभी शिक्षकों द्वारा, स्कूल प्रबंधन द्वारा। इसलिए स्कूल प्रबंधन द्वारा या आप लोगों की सुविधा के लिए एक वीडियो क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा मुहैया कराई जा रही है, ठीक है। तो आज हम लोग पाठ एक का कुछ भाग बचा हुआ था, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग पाठ एक जो गद्य खंड यानी कहानी से, इसमें दो बैलों की कथा है ना, दो बैलों की कथा यानी दो बैलों की कहानी, ये दो बैलों की कहानी है और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, जो हिंदी साहित्य के कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग कहानी के जो लेखक होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाती है, ठीक है। जब तक हम लोग कहानी के रचनाकार लेखक के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग उस कहानी को विस्तार से नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि लिखने वाला ही सबसे बड़ा होता है, सर्वोच्च होता है, ठीक है। तो हम लोग आइए लेखक के बारे में जानते हैं। ये है मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। उपन्यास एवं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के लंबी गांव में सन 1818 में हुआ था, ठीक है। उनका वास्तविक नाम यानी रियल नेम जो है धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद नाम से जाने जाते थे हिंदी साहित्य में, लेकिन उनका जो वास्तविक नाम था धनपत राय था, ठीक है। प्रेमचंद का जो बचपन है बहुत ही अभाव में, गरीबी में बीता था, जिसके कारण उन्होंने अपनी शिक्षा को है बीए तक ही हो पाए, ठीक है। और प्रेमचंद जी है ना, एक बात और है कि प्रेमचंद जी बचपन में जो है उर्दू समावेश में रहते थे, उर्दू परिवेश में रहते थे, जिसके कारण से उनका नाम, बचपन का नाम देखिए यहाँ, नवाब राय था। बचपन का नाम नवाब राय और उनके पिता का नाम अजायब राय था, ठीक है। और वो उर्दू में भी लिखते थे, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में, बहुत सारे जो है साहित्य में वो लिखने का कार्य करते थे, ठीक है। उसके बाद जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ भारत में, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था उस समय, ठीक है, तो उसमें उन्होंने भाग लिया और गांधी जी से उन्होंने प्रेरणा ली, ठीक है, प्रेरित हुए उनसे और उनके मार्ग पर चलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य में यानी कहानी कार्य में वो जुड़ गए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उनका देहावसान यानी उनका देहांत 1936 में हुआ। इसके पूर्व जन्म से लेकर देहांत के बीच में इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, जो बहुत सारी कहानियां आपके बीच यहाँ पर जो है प्रस्तुत है, पेश है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखी हैं, नाटक लिखी हैं, पत्रिका का संपादन किया है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि इन्होंने 300 से ऊपर कहानियां लिखी है, 300, इसलिए इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। कलम का सिपाही, इन्होंने अपने कलम के माध्यम से बहुत सारी कहानियां लिखी है, इसलिए इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है, ठीक है। 300 से अधिक कहानियां और 15 उपन्यास लिखा है इन्होंने, 3 नाटक लिखा है और बहुत सारे इन्होंने संपादक के रूप में पत्रिका का संपादन किया है। तो इसमें है सेवा सदन, प्रेमा से, रंगभूमि, निर्मल गबन, कर्मभूमि, गोदान, पूस की रात, दो बैलों की कथा, बहुत सारी रचनाएं हैं जो इनकी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसी नहीं कि कोई एक ही सर्वश्रेष्ठ है, बहुत सारे ऐसी रचनाएं हैं जो इनकी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है। तो ये हुआ इनका लेखक परिचय। अब आते हैं हम लोग कहानी के ऊपर। कहानी है दो बैलों की कथा यानी दो बैलों की कहानी। दो बैलों की कथा शीर्षक इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने ग्रामीण कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता जो है, आजादी जो है, वो सहज से नहीं मिलती, यानी
आसानी पूर्वक नहीं मिलती है। किसी को अगर आजादी चाहिए तो वो आसानी से मिल जाएगा। अगर भारत को अंग्रेजों के खिलाफ अगर आसानी से आजादी मिल जाती तो बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं को, बहुत सारे देशभक्त को यहाँ फांसी पर नहीं चढ़ना पड़ता, जेलों में नहीं जाना पड़ता, है ना, और देश के लिए शहीद होना नहीं पड़ता। इसलिए अगर किसी को भी आजादी चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो अन्य कोई भी हो, तो उसे संघर्ष करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर आजादी मिलती है। ठीक है, ठीक है। उसके माध्यम से यहाँ दो बैलों के ऊपर कहानी है। दो बैल यानी दो बैलों हैं, दोनों बैलों का नाम है हीरा और मोती। एक का नाम है हीरा और एक का नाम है मोती। और उनका एक मालिक है जो बैलों को रखता था, वो किसान है, उसका नाम था झूरी और काछी। किसान का क्या नाम था? झूरी और काशी। जो दोनों बैलों को बड़े ही प्रेम से, बड़े अच्छे स्वभाव से रखता था, यानी अपने संतान के जैसे, जैसे एक माँ बाप अपने पुत्र पुत्रियों को रखते हैं, अपने बेटे बेटियों को रखते हैं, उसी प्रकार से अच्छे तरीके से सभी सुखों से अपने पुत्र के समान मानता था दोनों बैलों को। ठीक है, अपने बच्चे के समान मानता था। ठीक है, तो एक कृषक समाज है और भारत जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है, खेती है, तो प्रेमचंद का बहुत सारी रचना है जो कृषि पर आधारित है, किसानों पर आधारित है। तो इसके आधार पर ये कहानी है। ठीक है, यहाँ देखिए, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी बुद्धि कम। अगर हम लोग किसी आदमी को परले दर्जा का बेवकूफ करना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ठीक है, गधा सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहन सुनता। ठीक है, निरापद का अर्थ होता है सुरक्षित, है ना। यहाँ पर देखिए कहा गया है निरापद, है ना, निरापद का अर्थ होता है सुरक्षित, और सही सुनता का अर्थ होता है सहनशीलता, जिसमें सहन की भावना हो, जिसमें बर्दाश्त करने की भावना हो, वो सब में नहीं हो सकती है। बहुत सारे पशु हैं जो बर्दाश्त नहीं करते हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं जो बर्दाश्त नहीं करते हैं, सहन नहीं करते हैं, लेकिन जो बैल है ना, जो गधा है ना, वो उसमें सहनशीलता बड़ी पड़ी है। ठीक है, उसका निश्चय नहीं कहा जा सकता। गाय सिंह मारती है, ब्याये हुई गाय तो अनायास सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे का कभी क्रोध नहीं करते हुए सुना है न देखा है। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी कभी दिखाई नहीं देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पे एक अस्थाई विषाद रूप में छाया रहता है, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। यानी जो गधा है उसे कुछ भी दे दो, जो बैल है उसे कुछ भी दे दो खाने को, चाहे वो सूखी दे दो, चाहे वो सूखी घास दे दो, वो जैसा भी हो खा लेता है, है ना। क्योंकि गरीब व्यक्ति जो होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो मनुष्य, चाहे वो पशु पक्षी हो, उनके सामने आप कुछ भी रख देंगे तो वो खा लेंगे। इसी प्रकार बैलों को अर्थात गधों को, कुत्तों को एक प्रकार से गरीब जानवर माना जाता है। ठीक है, जैसे गरीब मनुष्य होते हैं। ठीक है, ऋषि मुनियों के जितने गुण है वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। एक शब्द यहाँ पर है, वर्ड है पराकाष्ठा। ये पराकाष्ठा, प्रकाष्ठा का क्या अर्थ होता है? अंतिम सीमा, यानी अंतिम लास्ट स्टेज, है ना, वहां तक पहुंच गए। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, सद्गुणों का इतना अनादर करते हुए कहीं नहीं देखा। ठीक है, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, उपयुक्त नहीं है। ठीक है, देखिए ना, भारतवासियों को अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई है। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। ठीक है, तो कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब कलाने लगते। ठीक है, अगर आप ईंट का जवाब पत्थर से देने लगेंगे, यानी आप भी झगड़ा करने लगेंगे, तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगी, अंतर नहीं रह जाएगी। एक ही विजय ने, जापान की मिसाल सामने है कि विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों के गन्ने बना दिया। गन्ने मतलब गननीय, सबसे ऊंचा बना दिया। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से हूँ, अगले भाग में मैं फिर मिलूंगा। धन्यवाद।